सो है क्लासेस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, एंड आज हम लोग कुछ करेंगे भाई, लेजेंड वीक के कुछ लाइव अटैक्स दिखाएंगे जो कि होने वाला है भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी के साथ। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले जितने बंदे चैनल पर न्यू है चैनल को जाके आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही में भाई वीडियो पर एक लाइक भी कर देना है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो भाई लोग ये रहा सबसे पहला बेस आ चुका है, एंड हमने जो है चार चार अटैक्स में डिवाइड कर दिया वीडियोस को, नहीं तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो यहाँ से सबसे पहले देख सकते हैं इस वाले बेस में हमने सीधा भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन को ड्रॉप किया, कोई भी भाई हीरोज़ को ड्रॉप नहीं किया, कोई फनल क्रिएट नहीं किया, क्योंकि बेस डिजाइन ही उस तरह से है। तो इसीलिए भाई सीधा भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन को स्पैम किया, बैटल बीम को लगाया, एंड साथ में भाई वार्डन की एबिलिटी में चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर रेज टावर था भाई, इसीलिए भाई फ्रीज स्पेल का यूज़ करके यहाँ पर देख सकते हैं टाउन हॉल को जो है आराम से टेकडाउन कर दिया गया है। टॉर्नेडो भी निकल चुका है। अब जो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, एंड उसके बाद जो है हम लोग हीरोज को डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रो जो है आराम से भाई यहाँ पर मोनोजेट तक चले गए हैं, तो मोनोजेट को हम लोग लगातार फ्रीज़ कर रहे हैं। जब तक भाई डाउन नहीं होगा तब तक हम लोग फ्रीज़ करते रहेंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ईगल अटरी जो है डाउन हो चुका है, एंड यहाँ पर मोनोवेथ जो है और एक बार हमने यहाँ पर फ्रीज़ किया, एंड यहाँ पर देख सकते हैं बुढ़ाओ आराम से भाई ये मोनोवेथ को टेक डाउन कर देगा। चलो डाउन हो चुका है। अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं सीसी में भाई आइस गोलम निकले हुए हैं, तो हीरोज़ को भाई इधर से डिप्लॉयमेंट करे या भाई नीचे के साइड से, चलो नीचे के साइड से ही कर देते हैं। यहाँ पर एक्सपो वगैरह मिल जाएगा तो सही रहेगा। इधर से रॉयल चैम्बर को भी हमने ड्रॉप कर दिया ताकि डिग्गी जो है स्टनिंग कर दे एक्सपो वगैरह, और यहाँ पर जो है ट्रिपल आइस गोलम है भाई, ये थोड़ी सी दिक्कत देने वाली बात है। तो तब तक यहाँ पर हीरोज़ आराम से डाउन कर लेंगे एक्सबोस को, एंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रो बचा हुआ है, चलो सही है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर फॉरेस्टी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एंड एक्सबो को भाई डाउन भी कर चुकी है, चलो सही है। यहाँ पर फिनिक्स जो है मर चुका है। तो यहाँ पर हमने एक सुपर मिनियन का यूज़ किया, और यहाँ पर रॉयल चैम्बर की थोड़ी सी मदद कर रहे हैं ताकि जो है ये आइस गोलम्स फटाफट से भाई टेक डाउन हो जाए। साथ में यहाँ पर किंग का एबिलिटी जो है यूज़ हो चुका है, एक फ्रिज स्पेल बचा हुआ है जो कि हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ पर यूज़ करना पड़े। और ओके, तो यहाँ पर स्कैटर जो है हिट कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि उधर से रॉयल चैम्पियन भी आ रही है, तो रॉयल चैम्पियन के लिए बचा के रखते हैं। यहाँ पर डिग्गी है तो चलो भाई रॉयल चैम्पियन को, ओके तो हम लोग यहाँ पर एक्सपो को फ्रीज कर देते हैं क्योंकि भाई रॉयल चैम्पियन को थोड़ा सा हम लोग सेव करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं अब जो रॉयल चैम्पियन है एक्सपो पे टारगेट हो चुका है, और आराम से ये एक्सपो अगर निकाल के दे दिया तो भाई तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। ओके तो एकदम लो एच पी है, एंड इधर से कुछ यून अप ट्रूप्स भी डाल देता हूँ। चलो इधर एक्सपो जो है डाउन हो चुका है, एंड अभी भी हमारे पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बस एक ही अर्चर टावर बचा हुआ है, और हमारे पास अभी भी एक बेबी ड्रैगन बचा हुआ है। बेस देख सकते हैं बहुत ही ओपी तरीके से भाई, बेस जो है 3 स्टार हो चुका है, रॉयल क्वीन की एबिलिटी जो है स्वैग हो चुकी है, और मज़ा आ गया भाई। आइए कुछ हॉरर अटैक्स दिखाते हैं आप लोग को ताकि और भी ज़्यादा आप लोग क्लियर कर पाए। तो भाई ये रहा हमारा नेक्स्ट बेस आ चुका है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ से बैटल बीम को ड्रॉप करके देखते हैं ये मोनोलिथ वगैरह निकल जाए तो अच्छा। अरे भाई यहाँ पर टॉर्नेडो निकल गया, तो भाई बीम और एक यहाँ पर रेज जो है पूरा भाई वेस्ट हो गया भाई। चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो इधर से हीरोज़ को ड्रॉप करते हैं, और इधर एक इलेक्ट्रो को ड्रॉप कर दिया मैंने, चलो अब थोड़ा सा फनल क्रिएट होने देते हैं, एंड उसके बाद जो है इलेक्ट्रोस को भाई इधर ही से टाउन हॉल के साइड से ही भेज देंगे। चलो जितना फनल बना था हो गया, यहाँ से अब हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन को स्पैम कर दिया, साथ में भाई लूंस को भी स्पैम कर देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर वार्डन की एबिलिटी को टैप कर दिया, यहाँ पर 2 रेज को डाल देता हूँ, और यहाँ पर जो है इनविजिबल हो चुका है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और अब जो है हम लोग यहाँ पर फ्रीज करना चालू करेंगे क्योंकि यहाँ पर वार्डन की एबिलिटी जो है ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पर हमने सबसे पहला फ्रीज़ किया, और देख सकते हैं स्कैटर प्लस यहाँ पर टाउन हॉल जो है फ्रीज हो चुका है। और यहाँ पर एक बार टाउन हॉल नहीं हो पाया, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आराम से ही टाउन हॉल को टेक डाउन कर दिया जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रोज है। और यहाँ पर पॉइजन में घुस चुके हैं भाई, 3-3 इलेक्ट्रो ड्रैगन एक साथ मर गए। चलो इधर से हमने रॉयल चैम्पियन को भेज दिया है, रॉयल चैम्पियन के ऊपर हमने रेज भी डाल दिया ताकि जो है इधर के बिल्डिंग्स को फटाफट से टेक डाउन किया जाए। एक्सपो वगैरह को फ्रीज़ किया ताकि रॉयल चैम्पियन फटाफट से भाई बिल्डिंग्स को जो है टारगेट करे। और यहाँ पर देख सकते हैं किंग भी आ चुका है, क्वीन भी आ चुकी है, एंड इधर से हमने यहाँ पर स्टैचू के ऊपर भाई यहाँ पर देख सकते हैं सुपर मिनियन का काफ़ी अच्छा यूज़ किया, और अभी भी हमारे पास एक फ्रिज स्पेल बचा हुआ है। तो यहाँ पर बेस में ज़्यादा कुछ तो खास दिख नहीं रहा, तो देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने बीम को जो है काफ़ी गलत भाई डिप्लॉयमेंट किया, सोचे जैसा वैसा नहीं हो पाया, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो उस टाइम आप लोग को अटैक को चेंज करना पड़ सकता है। अगर वहाँ पर देख सकते हैं कि बीम अगर बच जाता तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है इस वाले बेस के ऊपर,
यानी समझ सकते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन जो है अभी टाउन हॉल 15 पे बहुत ही ओपी काम करता है, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अच्छे खासे पुशिंग भी होती है भाई, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी पुशिंग होती है। साथ में भाई CWS में भी बहुत ही बंदे यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, यहाँ पर बस कुछ बिल्डिंग्स बचे हुए हैं और यहाँ पर एक विजार्ड टावर और इधर कुछ कैनोन्स बचे हुए हैं, जो कि यहाँ पर डिग्गी भी है, साथ में भाई एक फ्रिज स्पेयर भी बचा हुआ है, क्वीन की एबिलिटी भी बची हुई है, बहुत कुछ बच गया है। और बेस का हालत देख सकते हैं एकदम भाई ख़त्म है। आइए कुछ और बेसिस देखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से एनालाइज कर पाए एंड इलेक्ट्रो ड्रैगन को आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली समझ पाए। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट बेस भी आ चुका है एंड ये बेस आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम हमने जैसा पहला वाला बेस में किया था सेम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर जो है हमने कोई भी फनल क्रिएट नहीं किया एंड यहाँ पर इस तरह से हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को ड्रॉप किया, देख सकते हैं दो साइड में बट चुके हैं, तो आप लोग को भी कुछ इसी तरह से करना है। दो रजिस्टर का हमने दो कंपार्टमेंट में यूज़ कर दिया है और यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रो कोर पे चला गया है, तो यहाँ पर हम लोग फ्रीज करेंगे भाई इनविजिबल को, यहाँ पर रेज भी कर देते हैं ताकि हम लोग चाहते हैं कि ये जो है ओके देख सकते हैं ईगल आर्टरी जो है हमने डाउन कर दिया। अब वापस से फोकस करते हैं भाई अपने अटैक पे। चलो इधर तो सही चल रहा है एंड हीरोज़ को हम लोग किधर से ड्रॉप कर सकते हैं, ओके तो इधर मोनोवेथ है एंड ओके तो ये डाउन हो चुका है और इधर से हमने एक बस सुपर मिनियन का हेल्प लेके ये टेस्ला वगैरह डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन जो है यहाँ तक चले गए हैं एंड यहाँ पर अब जो है मोनोवेथ एक्टिवेट होने वाला है। तो अब हम लोग हीरोज़ को जो है इधर ही से ड्रॉप कर देते हैं मोनोवेथ के पास से और यहाँ पर रॉयल चैंपियन को भी ड्रॉप कर देंगे क्योंकि डिग्गी है उसके पास, तो अच्छा रहेगा भाई। ओके तो CC में देख सकते हैं कुछ अर्चर्स अभी निकले हैं और आइस गोलम है भाई, ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर, ठीक है पॉइजन कर दिया हमने। और इधर से अब हम लोग बैटल बीम को डाल देते हैं, चलो सही है, और यहाँ पर हमने पॉइजन कर दिया है। रॉयल चैंपियन को भी इधर से उतार देते हैं ताकि जो है डिग्गी आराम से जाके मोनोलिथ को भाई आराम से ये स्टनिंग कर दे। और यहाँ पर देख सकते हैं बैटल बीम जो है पहुँच चुका है, तो हमने यहाँ पर पहले तो फ्रीज़ किया क्योंकि इनविजिबल टावर भी है और यहाँ पर वापस से फोकस करते हैं क्योंकि यहाँ पर मोनोलिथ अगर पकड़ लिया तो हीरोज़ भाई डाउन हो जाएंगे। और यहाँ पर येटीज़ में लेके आता हूँ, देख सकते हैं मैंने तो बताया था आप लोग को कि चेंज किया मैंने CC पहले वाले वीडियो में बताया था, इसमें नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं येटीज़ ने भाई काफ़ी बढ़िया यहाँ पर वैल्यू निकाल के दिया है, बस यहाँ पर एक ये क्या बोलते हैं बिल्डर हट बच गया है, चलो सही है। यहाँ पर रॉयल चैंपियन काफ़ी अच्छी काम कर रही है एंड अभी भी भाई तीनों हीरोज़ के भाई यहाँ पर देख सकते हैं एबिलिटी बची हुई है, साथ ही में एक फ्रिज स्पेयर बचा हुआ है जो कि हम लोग यहाँ पर स्कैटर वाले कंपार्टमेंट में यूज़ कर देंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हैवी डैमेज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रॉयल चैंपियन जो है आराम से बिल्डर हट निकाल के दे दी है और यहाँ पर जो है यहाँ पर मल्टी टारगेट इन्फर्नो है, तो कोई दिक्कत अभी बात नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग फ्रीज़ करते हैं एंड देख सकते हैं फ्रीज आप लोग को कुछ इसी तरह से इस्तेमाल करना है, एक साथ भाई तीन या चार बिल्डिंग्स को फ्रीज़ करने की कोशिश करें। हमेशा मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ मैं कि आप लोग को फ्रीज स्पेल एंड रेज स्पेल का ज़्यादा यूज़ करना है अच्छा से, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन आर्मी में यही भाई मेन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी हमारे पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है एंड बेस जो है आराम से 3 स्टार हो चुका है। तो भाई साहब ये रहा नेक्स्ट बेस आ चुका है एंड यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर टाउन हॉल बेस एंड इस तरह के बेस आप लोग को देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने एक लून एंड बेबी ड्रैगन को ड्रॉप किया एंड इधर से भाई एक हम लोग चलो यहाँ पर हीरोज़ को ही ड्रॉप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोज़ को भी कर सकते थे लेकिन हम लोग हीरोज़ से ही अभी करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डैमेज नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में ग्राउंड एक्सपोज है, तो तब तक भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन वहाँ तक पहुँच जाएंगे आराम से एंड यहाँ से हमने भाई वार्डन की एबिलिटी को टैप कर दिया एंड हमने अभी तक ब्रीम को चार्ज नहीं किया है। रीज़न यही है कि सेंटर टाउन हॉल बेसिस पे आप लोग को थोड़ा सा ब्रीम को होल्ड रखना है क्योंकि सेंटर में बहुत ही ज़्यादा भाई टांडम मचता है, अभी देखना भाई देखना। तो यहाँ पर हमने फ्रीज कर दिया है रॉयल चैंपियन, प्लस यहाँ पर देख सकते हैं आराम से भाई टेकडाउन हो चुका है और यहाँ पर स्कैटर भी चला गया और यहाँ पर पॉइजन टावर गिरने वाला है, तो यहाँ पर हमने फ्रीज कर दिया और यहाँ पर इलेक्ट्रो टाइटन निकल रहा है तो हम लोग पॉइजन कर देते हैं एंड इलेक्ट्रो जो है देख सकते हैं आराम से कोर तक पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग डार्क ड्रिल तक डार्क ड्रिल को यूज़ कर देते हैं। तो पहले तो रॉयल चैंपियन को ड्रॉप करता हूँ, इधर से डार्क ड्रिल को भी हमने ड्रॉप कर दिया और इलेक्ट्रोज ने भाई देख सकते हैं टाउन हॉल को जो निकाल के दे दिया। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि थोड़ा सा वेट करें भाई, इस तरह के सेंटर टाउन हॉल बेस में आप लोग को ब्रीम को जल्दी नहीं छोड़ना है। जब इलेक्ट्रो ड्रैगन आप लोग को पहुँच जाता है तब देखोगे इलेक्ट्रो ड्रैगन से टाउन हॉल वगैरह निकाल लो एंड उसके बाद आप लोग सीज मशीन का दूसरा सीज मशीन का यूज़ करो भाई आराम से, मतलब डार्क ड्रिल हो गया या फिर आपका स्टोन स्लैमर हो चुका है या फिर अभी भी एक क्या नाम है फ्लेम फिंगर, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओपी काम करता है।
यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्रिज इस पर बचा हुआ था जो कि हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया एंड ये टीज निकल रहे हैं। साथ में भाई हमने यहाँ पर रेज कर दिया, ये टीज प्लस रॉयल चैंपियन दोनों साथ ही में आ गए थे रेज के अंदर। एंड यहाँ पर जो है टैप कर दिया हमने आरसी की एबिलिटी को। एंड यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी हमारे पास सुपर मिनियंस बचे हुए जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये एयर डिफेंस निकल जाए उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है एंड यहाँ पर अब जो हम लोग यूज़ कर दिए हैं सुपर मिनियन का, क्योंकि रॉयल चैंपियन ने भाई आराम से टेक डाउन कर दिया है। और यहाँ पर अब जो है कैनन्स हैं तो सिर्फ कैनन तो टारगेट नहीं करता एयर पे, तो इसी भी हमने इधर से मिनियन को ड्रॉप कर दिया है। एंड अभी भी हमारे पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है एंड बेस देख सकते हैं भाई सेंटर टाउन हॉल बेस का भाई एकदम हो चुका है द एंड। चलो ये बेस भी हो चुका है 3 स्टार और आगे के अटैक्स जो है आप लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे, नहीं तो इसमें डाल देता तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो इसीलिए भाई इसको यहीं तक रहने देते हैं। तो आज की जो बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे भाई इस तरह के और भी न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक भाई जय हिंद।